जैसे कृष्ण मित्र, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार हम अपनी बैकवर्ड ब्रांडिंग इम्प्रूव करें, कैसे हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, क्योंकि काफ़ी युवा हमसे कहते हैं भाई बहन के कुछ वीडियो ऐसी बना के डालें इससे हम अपनी बैकवर्ड ब्रांडिंग को अच्छा कर सकें, अपनी बैकवर्ड ब्रांडिंग को इम्प्रूव कर सकें। तो कुछ स्टेप हैं जो हम अभी बताने जा रहे हैं, आप हमारे साथ फॉलो कर सकते हैं। तो पहले हम करेंगे अर्ध चंद्रासन करेंगे, इसका बैठना है हमें और दोनों हाथ इस प्रकार रखने हैं हमें और श्वास को बच्चों पीछे जाएंगे, बार बार पीछे जाना है, कम बैक, इनहेल बेंड बैकवर्ड, एक्सहेल कम बैक, इनहेल बेंड बैकवर्ड, एक्सहेल कम बैक। तो ये आपको 10 टाइम्स करना है। फिर इसका सेकंड स्टेप आपको उष्ट्रासन करना है, केवल कोई अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हील पे और राइट हैंड को राइट हील पे और पीछे देखना। देन एक्सहेल कम बैक, श्वास को छोड़ के वापस फिर से हम करेंगे एक बार और, श्वास को भरते हुए हम एक एक हाथ को पीछे हील पे रखें और पीछे जितना हो सके थोड़ी बैंड करके रखें, जिससे हमारी बैकवर्ड बैंडिंग इंप्रूव होती है। ये स्टेप इस प्रकार के हैं, इनको बिगनर्स भी कर सकते हैं और जिनको अच्छे से आता है उनके लिए अच्छा है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कोबरा पोज, भुजंगासन। भुजंगासन में आप दोनों हाथ को साइड में रखेंगे और इनहेल करते ऊपर जाना है, दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट रखते हैं, जितना हो सके पीछे देखे, देन एक्सहेल कम बैक, श्वास को भरते हुए पीछे जाना है, दो चार बार आपको धीरे धीरे करना है, फिर आप इसको फास्ट करेंगे। देखिए इस प्रकार, ये लगभग आपको एक मिनट करना है, जब आपका ये बैकवर्ड बैंड अच्छी होने लगेगी तो बाद में आप अपने पैरों को पीछे भी लगा सकते हैं। साथ में मैं एक बार बस करके दिखा दे रहा हूँ आपको, और भी हो जाएगा, मैंने हल्का सा करके दिखाया आपको। तो ये हमारा कोबरा पोज का पहला स्टेप हुआ, फिर इसी में आप चाहें तो इसके आगे जो नेक्स्ट करेंगे धनुरासन, पेट के ऊपर लेट के दोनों पैरों को पकड़ के और ऊपर खींचेंगे, श्वास को भरते हुए।